उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का पता तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से ही चलता है। कहीं रेप के बाद हत्या तो कभी सड़क पर नग्न अवस्था में महिला को दौड़ाना, इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की पोल खोलती रहती हैं। सोचने वाली बात है कि अगर पुलिस वक्त रहते शिकायत सुनकर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दे तो ऐसे मामलों में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आया है, जहां पर एक 10 साल की बच्ची गायब हो गई थी। पुलिस के पास शिकायत आई, आनंद फानन मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई और बच्ची को 2 घंटे के अंदर ही ढूंढ कर उसे घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को थाना कोतवाली में एक बच्ची के गायब होने की सूचना मिली। इस मामले को गोंडा के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद मिशन शक्ति अभियान के तहत बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी गई और पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर बच्ची को ढूंढा गया और 2 घंटे में ही बच्ची को ढूंढ लिया गया। जब इस बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मोहल्ले का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम संतोष है, वो अक्सर छेड़छाड़ किया करता था, जिसके डर के कारण वो अपने माता पिता को बिना बताए अपनी बड़ी माँ के घर लखनऊ जा रही थी। पुलिस ने लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया है और संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोंडा कोतवाली नगर में 24 सितंबर की सायंकाल 5 बजे एक 11 वर्षीय बालिका की गुमशुदगी की सूचना लेकर उसके परिजन उपस्थित हुए थाना कार्यालय में। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और उनकी सभी टीम के द्वारा जो गुमशुदा बच्चों की खोजने की SOP है उसका अनुपालन करते हुए सभी CCTV कैमरा और बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन सभी जगह खोजबीन की गई और जो भी बाहर जाने वाली बसें और ट्रेन थी उनको देखा गया। इसी क्रम में जानकारी मिली कि बच्ची लखनऊ जाने वाली बस में बैठी हुई है, तो इस सूचना पर एक उस बस का पता लगाया गया और उसको कर्नलगंज में रुकवा करके और उस बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। और इसमें ये जब बच्ची मिली तो महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा उससे बातचीत की गई और बातचीत की में ये जानकारी मिली कि उसके मोहल्ले का एक संतोष नाम का व्यक्ति जो है उसको छेड़छाड़ करता था और कई बार उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। तो इसी डर करके बच्ची बिना घर वालों को बताए अपने परिजनों के पास जो बड़ी माँ के पास लखनऊ जा रही थी। उस बच्ची के बयान और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और वो जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था संतोष नाम का आदमी उसको गिरफ्तार किया गया है और धारा 354 DIPC 9/10 पाक्सोएक्ट 11/12 पाक्सोएक्ट में अभी तो गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जनपद के चाइल्डलाइन का भी सहयोग लिया, जनता के लोगों का सहयोग लिया गया है। बाल कल्याण समिति के समक्ष बालिका को प्रस्तुत किया जा रहा है और अग्रिम जो क्रिया प्रोटेक्शन की कार्रवाई है वो भी की जा रही है।